देखिए सावित्रीबाई फुले ने गुलाम भारत के समय में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, उनकी शिक्षा के लिए जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं, उन कार्यों से आज वर्तमान पीढ़ी को प्रेरणा लेनी चाहिए। और आज महिला सशक्तिकरण के अंदर जो हमारी वर्तमान विशेष करके जो महिलाएं हैं, जो बालिकाएं हैं, उनको उनसे प्रेरणा लेकर के महिला सशक्तिकरण में अपनी प्रभावी भूमिका निभाना चाहिए। हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि प्रथम भारत की महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले की आज 128वीं जयंती है। हम जानते हैं कि उन परिस्थितियों में जबकि पढ़ाई लिखाई को इतना ज़्यादा बुरा माना जाता था, उस विषम परिस्थितियों में मैंने उनकी एक किताब पढ़ी थी जिसमें उनकी जीवनी पढ़ी, तो मुझे बहुत ही अचरज हुआ कि उस टाइम में जब वो एक छोटी सी बच्ची हुआ करती थी और जब एक इंग्लिश की किताब पढ़ने जाया करती थी तो उनके पिताजी ने उनसे किताब लेकर के खिड़की के बाहर फेंक दी। उस बच्ची का साहस देखिए, वो जब सब सो गए तो वो चुपचाप वो किताब उठा करके लाई और वापस पढ़ने लगी। इससे उनको लगता है कि कितना उनको शिक्षा के प्रति एक चाहत थी, एक लगाव था। उसके बाद जब उनकी ज्योतिबा फुले जी से शादी हुई तो उन्होंने जब उनकी लगन देखी तो उन्होंने अपने पत्नी का साथ देने का सोचा, लेकिन वो विषम परिस्थितियां वहाँ भी उन्होंने पीछा नहीं छोड़ा और उनको वहाँ से घर से निकाल दिया गया कि तुम इनको पढ़ाओगे लिखाओगे नहीं। लेकिन मैं सलाम करना चाहती हूँ ज्योतिबा फुले जी को, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले जी को एक शिक्षिका बनाने का निर्णय लिया, पढ़ाया लिखाया और पूरे समाज से टक्कर लेकर के उनको प्रथम महिला शिक्षिका बनाया और महिलाओं के लिए आदर्श साबित हुई वो। यही नहीं, छुआछूत, भेदभाव, ये सारी परिस्थितियों से जूझते जूझते हमारे लिए फख्र की बात है कि वह हमारे प्रथम भारत की महिला बनी, शिक्षिका बनी। सभी अजमेर देशवासियों को, भारतवासियों को राष्ट्रीय जागृति मंच जिला अध्यक्ष सुनीता चौहान ये संदेश देना चाहूँगी, नववर्ष की सबसे पहले तो आप सबको बधाई हो। और आज ये 128वीं जयंती मनाने के लिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। 128वीं जयंती, आप ये सोचिए कि 128वीं जयंती यहाँ मना रहे हैं, 128 साल पहले जो विषम परिस्थितियों में माँ सावित्रीबाई फुले ने जो कार्य किए थे उन्हीं कार्यों को आज हम, उन्हीं की प्रेरणा से हम लोग आज ये आगे बढ़ते हैं। और स्त्रियों को यही संदेश दूंगी कि हर विषम परिस्थितियों के अंदर आप आगे बढ़ें और जो भी कार्य शिक्षा के क्षेत्र में हुआ, बाल विवाह हुआ, पर्दा प्रथा हुई, इन सबको हम लोग उन्हीं को प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ें। और उनका संदेश ये है कि इन चीज़ों में हम सुधार करें। और आगे का कार्यक्रम हमारा बड़गांव में बाल प्रकाश विद्यालय है जहाँ अनाथ बच्चे हैं, वहाँ पर उन बच्चों के साथ वाद विवाद प्रतियोगिता है और बच्चों के लिए छोटे मोटी प्रतियोगिताएँ रखी है, वहीं पर खाना है बच्चों के लिए गिफ्ट है और वहीं ये है। आज सावित्रीबाई फुले जी की 188वीं जन्म जयंती है। इस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में हम सब लोग उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। उस जमाने में जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं था और लोग शिक्षा से नहीं जुड़ते थे, ऐसी विषम परिस्थितियों में, ऐसे वातावरण में सावित्रीबाई फुले ने छात्रों और छात्राओं के लिए शिक्षा प्रारंभ की, अनौपचारिक रूप से उन्होंने शुरुआत की और समाज ने उस समय उनका बहुत ज़बरदस्त विरोध किया, उनको अपशब्द कहे और उनके ऊपर कीचड़ उछालने का काम असामाजिक तत्व उस समय किया करते थे। लेकिन उन्होंने अपने ध्येय से अपना ध्यान कभी भी नहीं भटकाया और लगातार समाज की सेवा करते हुए छात्र छात्राओं में शिक्षा का प्रसार करती रहीं। उसी का प्रतिफल है कि आज हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारे राजस्थान में शिक्षा का प्रसार है या हिंदुस्तान में शिक्षा का प्रसार है वो उन्हीं की बदौलत है। विशेषकर छात्राएं उनकी बहुत ऋणी हैं क्योंकि उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया, महिलाओं को शिक्षित करने का काम किया। एक धारणा बनी हुई थी महिला को शिक्षा नहीं देनी चाहिए, उसको उन्होंने तोड़ा और जब इस कुरीति को उन्होंने तोड़ने का काम किया तो उनको बहुत सारी विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, लेकिन वो अडिग रहीं और उसी का परिणाम है कि आज छात्राएं इतनी शिक्षित हो रही हैं, छात्राएं इतनी आगे बढ़ रही हैं। एक महिला शक्ति समाज के लिए और राष्ट्र के लिए उपयोगी बनी है। हम आज उनको शत शत नमन करते हैं और नमन करने के साथ साथ ऐसे तबके जहां आज भी शिक्षा का प्रसार नहीं हुआ है, विशेषकर बालिकाओं बेटियों के लिए, उनकी बेटियों की शिक्षा की व्यवस्था करें और उसको आगे बढ़ाने का काम करें।